बिना राधा रानी की कृपा के ब्रजवास तो क्या, ब्रज की कल्पना भी नहीं होती प्यारे। जय हो। जब कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया, 7 दिन के बाद कन्हैया के साथ सब ग्वाल वाल एक बार मिले और आपस में चर्चा की और कहा, लाला एक बात तो बता कि तू 7 वर्ष का छोटा सा कन्हैया, छोटा सा लाला, और तूने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात तक एक छोटी सी उंगली पर कैसे धारण किया, इतना बल तुझ में कहां से आया। तो देखो कभी भी भगवान अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं लेते हैं, सब भक्तों पर ही बांट देते। तब कन्हैया के मुख से ये वाक्य निकला था, कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय। ब्रजवासियों कुछ तो मेरी मैया ने जो दूध दही माखन मुझे खिलाया उसका बल मेरे शरीर में था, और कुछ ब्रजवासियों तुमने जो गिरिराज जी के नीचे अपनी अपनी लाठी लगा दी ना उसकी सहायता मुझे प्राप्त हो रही थी, लेकिन इतने पे भी मैं गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण नहीं कर सकता था। ब्रजवासियों ने पूछा, लाला फिर तूने कैसे किया बता तो सही। कहा ये बड़ी रहस्य की बात है। क्या रहस्य है? कहा जब मैं गिरिराज जी को धारण किए हुए खड़ा था एक चरण पर, तो सामने एक चौकी पर छोटी सी किशोरी जी बैठी हुई, एक चौकी पर छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं अपनी मैया बाबा के संग, ब्रजवान बाबा के संग, कीर्ति मैया के संग। उस चौकी पर छोटी सी किशोरी जी घूंघट किए बैठी हुई है, और जैसे ही मैं गिरिराज जी को धारण करने के लिए तैयार हुआ वैसे ही किशोरी जी ने घूंघट उघार के हल्का सा मेरी ओर देखा, और उनकी कृपा कटाक्ष मुझ पर ऐसी बरसी कि उनकी कृपा से मैंने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को धारण किया। तब कन्हैया ने कहा था, कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बिना किशोरी जी की कृपा के वो पर ब्रह्म भी कोई लीला नहीं कर पाता है, वो भी लीला करने में असमर्थ है, तो क्यों ना हम सब सीधा किशोरी जी के चरणों की ओर बढ़े, उनकी कृपा को मनाएं, उनकी उनसे कृपा की याचना करें, और किशोरी जी की कृपा को लेते हुए हम सब गिरिराज जी की ओर बढ़े। बड़े भाव से आइए, मिलके विनती कर लें, किशोरी जी से कृपा को मांगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जय घोष लगा दो, बोल बरसाने वारी की। ओ हो यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, सभी पुकारो कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बर महारानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, श्री राधा 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 राधा।
लगन ये लगाए रखना
सभी गाएं। हे राधा रानी दोनों भुजा पसार के कृपा की याचना करो। महारानी हो लागी राधा श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली, लागी लागी राधा श्री राधा लागी सब किशोरी जी से कृपा की याचना कर रहे, सब हृदय से किशोरी जी की कृपा की याचना कर रहे थे और लाडली जी की कृपा स्वरूप परम कृपा मूर्ति पूज्य महाराज श्री हम सबको कृतार्थ करने के लिए हमारे मध्य पधारे। पूज्य महाराज श्री को सीधा हमारी किशोरी जी ने ही भेजा है प्यारे, जय हम सब पर कृपा बरसाने के परम कृपा मूर्ति है। एक बार हम चाहेंगे दोनों भुजा उठा के जय जय श्री राधे की जय घोष करते हैं, पूज्य महाराज श्री का सब स्वागत करेंगे। दोनों हाथ उठाओ सभी और राधा नाम की जय घोष करते हैं, पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। सभी बोले श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। काहे चित्र विचित्र राधा रानी,
राधा रानी, और ऊंचे सुरों में बोले हे राधा रानी, दोनों हाथ उठा के हे राधा रानी कृपा गाइए। श्री राधा 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 कृपा बरसाए रखना।